जिला मुख्यालय धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत एक दर्जन के लगभग लोगों को उत्तर प्रदेश के मेरठ भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले ये लोग धर्मशाला स्थित आसपास के क्षेत्रों में टेलरिंग का काम करते थे। इन लोगों का कहना है कि वे यहाँ टेलरिंग का काम करते थे और लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद होने के कारण यहाँ फंस गए थे। जिला प्रशासन से उन्होंने घर जाने की गुहार लगाई थी, जिस पर उन्हें अनुमति मिल गई है। मेरठ के लोगों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का उन्हें घर भेजने की अनुमति देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। सर जी, हम आए थे यहाँ पर काम करने के लिए और हमें ये नहीं पता था लॉकडाउन हो जाएगा यहाँ पर। बहुत परेशानी हो गई है, हमने सोचा था खुल जाएगा मगर ये बहुत दिन हो गए, हम फंस गए हैं यहाँ पर। काम करने आए थे धर्मशाला में, श्याम नगर में काम करते हैं, नाम हमारा आमिर है। और सरकार की तरफ से हमें मिली है छूट जाने की, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम घर पहुँच रहे हैं, 15 बंदे हैं हम जाने वाले, और बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इस्तखार है। हम यहाँ लॉकडाउन में चलते फंस गए थे, हम यहाँ काम करते हैं लेट टेलर का, जितने ही बन गए हम। अब जो है यहाँ परमिशन मिली है हमें घर जाने के लिए मेरे। अब इन लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का जो हमें घर भेज रही है, मजदूर आदमी है। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा से विभिन्न राज्य यूपी, बिहार व राजस्थान के 14,000 के लगभग लोग जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक 4,000 लोग जम्मू कश्मीर के हैं। जब से प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से जिला कांगड़ा के लोगों के आने की अनुमति दी थी, तब से देश के विभिन्न राज्यों के 42,000 के लगभग लोग जिला कांगड़ा पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में 8,000 और लोग आने वाले हैं। संभावना है कि अगले सप्ताह के अंत तक यह आंकड़ा 50,000 तक पहुंच जाएगा। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिला कांगड़ा में सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील की छूट दी गई है, जिस दौरान दुकानें खुली रहती हैं। देखिए, जो जाने वाले लोग हैं लगभग 14,000 के आसपास जो लोग हैं आज जिला कांगड़ा से देश के विभिन्न कोनों में जा चुके हैं, खास करके यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग। और इसमें जो बड़ी एक संख्या रही है वो लगभग 4,000 की जेएनके की रही है। जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो, जहाँ पे भी हमारे लोग स्टैंडर्ड थे, चाहे जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं या किसी और किल्लत में थे, ऐसे लोगों को जब से सरकार ने वापस आने के लिए ऑप्शन दिया है, लगभग 42,000 लोग हमारे पास पहुँच चुके हैं और आने वाले 2-4 दिनों में लगभग 8,000 और आने वाले हैं। तो ये जो संख्या है अगले हफ्ते के एंड तक मुझे लगता है कि 50,000 तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय हुआ था कि जो कर्फ्यू में ढील है 5 घंटे से 7 घंटे बढ़ा दी गई है, और उसी अनुरूप पहले जिला कांगड़ा में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक दुकानें खुल रही थी, अब जिला कांगड़ा में सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।